in next 10 seconds. And 30 meter in last 10 seconds. Find average speed of motion. ऑप्शन है तुम्हारे, निकालना शुरू कर दो, 3 मीटर पर सेकेंड, बी है 2.2 मीटर पर सेकेंड, सी 2.4 मीटर पर सेकेंड और डी है 2.0 मीटर पर सेकेंड. एक मिनट के अंदर एवरेज स्पीड क्या होती है, कल बताया था एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ऐड करो 20, 30, 50, 10, 60 अपॉन टोटल टाइम 5, 10 और 10, 25 डिवाइड कर लो, 5, 5 जा 5, 1 जा और 5, 2 जा 5, 1 जा 5, 2 जा 10, तो हुआ 25, 4 जा कितना आ गया 2.4 मीटर पर सेकेंड. फ्रॉम एटीन किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट. तो द एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइव मीटर पर सेकेंड वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और 216 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. तो इसमें यूनिट देख लेगा और आंसर बता देगा. एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, पहले दिमाग ये लगाओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक ही जगह है, मीटर पर सेकेंड में होता है क्या एक्सेलरेशन, होता है क्या, ये तो नॉट पॉसिबल ही होगा. वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड. किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कभी होता है एक्सेलरेशन में, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता इसका, किसी का फॉर्मूला ही नहीं होता किलोमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है इस पर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो वी और यू, वी कितना है, 36 किलोमीटर है, तो 1000 मीटर हो जाता है. पता है ये बात, 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000, इसको चेंज करोगे सेकंड में 3600 होता है एक घंटे में. इन माइनस यू 18 है, किलोमीटर यानी 1000 अपॉन 3600 सेकंड अपॉन टी. टी कितना है भाई, कितने सेकंड है, 5 मिनट है. मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 60 होते हैं. अब आगे तुम्हें वैसे आ जाना चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो कर लिया कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिया, इधर कितना हो गया 36, 1 जा 36 यानी 360, 1 जीरो बचा अपान. अरे इसको भी तो कट कर दो ना, 36, 36 भी कैंसिल, तो क्या बचा 10, क्या रह गया 10 माइनस 18, 2 जा 36 सुना है कभी, 2, 5 जा 10 तो 10 माइनस 5 अपान में कुछ बचा, ये वाला 5 into 60 अपान 5 into 5, 5 कैंसिल कर सकते हो.
अच्छा 1 मीटर पर सेकंड आ रहा। हाँ बताओ। अच्छा ये 5 सेकंड है। हाँ तो ये बच्चे 5 सेकंड होगा, ठीक है, मिस प्रिंट होगा, तभी ये 5 से 5 कट जाएगा। तो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? 1। नहीं तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा ना। तो कब क्वेश्चन आएंगे? द स्पीड ऑफ व्हीकल ऑफ मास 500 kg इंक्रीजेस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी तुम्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। लगाओ दिमाग, एक मिनट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ एमवी स्क्वायर, ये तो जानते हो। तो हाफ एम वी स्क्वायर जो है यहां पर, ये इंक्रीज फ्रॉम इससे इतना, तो एक तो यू हो जाएगा, एक वी हो जाएगा, वही वाला इस सिचुएशन। तो एक यू स्क्वायर कर लो और एक को वी कर लो। एक को 72 कर लिया, मीटर पर सेकंड में होता है, तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? ये इसको यहीं पर मैं कह रहा दे रहा हूं, तो 1000 अपॉन 36, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 2 जा 72, कितना आ गया ये? 20। समझ आया तुम्हारे? 20 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर मैं यूज कर रहा हूं, तो हाफ एम मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये 36 को भी कन्वर्ट कर लो, 36 किलोमीटर मतलब 1000 अपॉन 36 इंटू 36, 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा? 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया? 10 का स्क्वायर। तो 1/2 एम कितना है? 500। 20 का स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी से भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। और 20 माइनस 10 कितना हुआ? 10। समझ में आया ये क्या किया मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी होता है, तो वही मैंने अप्लाई कर दिया। 2 से 10 को मैंने काटा तो 5 आया। अब इसका तीनों का मल्टीप्लाई, 500 इंटू 30 इंटू 5, 5 3 जा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15 15 5 जा 75, 2 और 1 3। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल। फिजिक्स में आप ऐसे नहीं रखोगे, फिजिक्स में रखो एक ऐसे 7.5 × 10⁴ जूल। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 m/s। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? 1 मिनट। ठीक है, सबका 120 आ रहा? अभी तो फार्मूले ही सोच रहे होंगे कुछ लोग। देख लो इधर, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम कितना है? 15 kg और वी कितना है? 4। स्क्वायर है तो दो बार लिख लो, 2 से 1 को कट कर दो, 15 2 जा 30 30 4 जा मतलब 4 3 जा 12 होता है और 1 0, क्या आ गया? जूल हो गया। एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट
मास 10 केजी व्हेन इट इज एट अ हाइट 6 मीटर अबव द ग्राउंड और जी इज इक्वल कह रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द एनर्जी. एनर्जी निकालना है यानी जब कभी कोई भी ग्रेविटेशंस के अंदर ये फेंकना होता है ऊपर से एनर्जी निकालनी होती है पोजीशन के अकॉर्डिंग तो पोटेंशियल एनर्जी होता है. तो W इज इक्वल क्या हो गया MGH या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल MGH. एनर्जी चाहिए हमें M यानी केजी में दिया है 10 जी 9.8 और हाइट कितना है 6. इसका मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट से 10 का काम खत्म हो जाएगा इंटू 6 एट जा 48 मीटर नहीं जूल है मतलब एनर्जी है. तो अ स्टेयर केस ऑफ स्टेप्स इन 9 सेकेंड इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप 15 सेंटीमीटर फाइंड द पावर. बोर्ड में देख लो लास्ट है ये मास कितना है 50 केजी. रन सब स्टेयर केस ऑफ 45 स्टेप्स है और हर एक स्टेप्स कितना है 15 तो 15 सेंटीमीटर का मीटर में ये है केजी के इसके साथ कॉम्बिनेशन मीटर का होता है तो 100 से डिवाइड भी कर लेना तो कितना हो जाएगा इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 675 अपॉन 100 तो कितना आ गया 6.75 मीटर. ओके 9 सेकेंड टाइम गिवन है तो पावर चाहिए तो पावर का फार्मूला होता है W बाई टी. तो W होता है वही MGH अपॉन टी. बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें. M कितना है 50 केजी जी 9. जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो 10 ले लो या 9.8 ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है 10. H कितना है यह दिया है 6.75 अपॉन टी. टी कितना है 9 सेकेंड. कर लो इसको कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा 50 ये 500 मल्टीप्लाई करोगे 5 से इसको और पॉइंट भी भाग जाएगा तो 5 इंटू 6.75 हो जाएगा अपॉन 9. 9 से मल्टीप्लाई कर लो पूरा आंसर कितना आ रहा 375 वॉट.